अब आज से बड़ी खबर आ रही है, बता दें कि फिर जलाई गई पराली, 5 से ज्यादा जगहों पर जलाई गई पराली। बड़ी खबर इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर यह फ्लैश हो रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि फतेहाबाद में पराली जलाने पर नपे अधिकारी, 5 से ज्यादा जगहों पर पराली जलाई गई जिसके बाद अधिकारियों पर गाज गिरी है। बड़ी खबर आपको बता दें कि ग्राम सचिव और पटवारी और नंबरदारों पर गिरी गाज। बड़ी खबर, भुना गांव के ग्राम सचिव और पटवारी को किया गया चार्जशीट। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, 4 नंबरदारों को किया गया है सस्पेंड। एक तरफ जहां पराली जलाने को लेकर मनाई है, दूसरी तरफ पराली जलाई गई इसके बाद अधिकारियों पर गाज गिरी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि कृषि सुपरवाइजर को बर्खास्त करने के आदेश दिए गए हैं, कुल 20 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर, पराली प्रबंधन के लिए जागरूक नहीं कर पाने पर हुई बड़ी कार्रवाई, पराली जलाने की घटनाएं नहीं रोकने पर गिरी गाज। बड़ी खबर इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, ग्राम सचिव और पटवारी और नंबरदार पर कार्रवाई की गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र मोगा फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, जिन अधिकारियों को कहा गया था कि आपका काम है पराली न जला जाए, वो ऐसा नहीं कर पाए, अधिकारियों पे गाज गिरी है, क्या कुछ जानकारी? साफ तौर पर फतेहाबाद में लगातार पराली जलाने के मामले सामने आ रहे हैं और यही कारण है कि प्रशासन ने अब सख्त रुख जो अपना लिया है। फतेहाबाद के गांव जो भोला इलाका है, वहां के ग्राम सचिव एक पटवारी को चार्जशीट किया गया है, 4 नंबरदारों को भी सस्पेंड किया गया है। वहीं एक कृषि सुपरवाइजर है, उसे बर्खास्त करने को लेकर नोटिस जारी किया गया, कुल 20 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। जी जितेंद्र, जब ये कहा जा रहा है कि आप पराली मत जलाइए, पराली जलाने से प्रदूषण हो रहा है, तो आखिरकार किसान मान क्यों नहीं रहे, ये भी तो एक बड़ा सवाल है। मान रहे हैं, अगर फतेहाबाद की बात की जाए तो 677 जो है एक्टिव फायर लोकेशन अब तक विभाग को मिल चुकी है और चालान भी हालांकि किए जा रहे हैं, 270 लोगों को नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन फिर भी अगर बात की जाए तो फतेहाबाद में रोजाना रात के समय जो IQ है वो लगातार बढ़ जाता है और दिक्कत का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। जी चलिए जितेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।